हाय गाइस, नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग को एसएमएस सेंड करना है। राइट, एसएमएस सेंड तो हो जाएगा हमारे वेबसाइट से, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली हमको थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ करने पड़ेंगे। बहुत सारी कंपनीज है जो एपीआई प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वे टू एसएमएस है, 160x2 है, टेक्स्ट लोकल है। तो हम लोग किसका यूज़ करने वाले, टेक्स्ट लोकल का। तो तुम लोग सबसे पहले टेक्स्ट लोकल डॉट इन पे चले जाओ। जैसे तुम लोग टेक्स्ट लोकल डॉट इन पे चले जाओगे, सबसे पहले तुमको क्या करना है, तुम्हारा ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है। हाँ, लेकिन एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर के लिए 10 ही मैसेजेस मिलेंगे। जैसे ईमेल आईडी एंटर करोगे, तुमको एक्टिवेशन लिंक आ जाएगी, उसको क्लिक करो। जैसे एक्टिवेशन लिंक हो, तुम लोग क्लिक करोगे, फिर से तुम लोग टेक्स्ट लोकल पे जाना, वहां पे तुमको वो फॉर्म फिल करने को बोलेगा। ओके, तो तुम लोग जैसे फॉर्म फिल करोगे, उसमें तुम लोग से डिटेल्स मांगी जाएगी कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी कंट्री कौन सी है, तुम्हारा स्टेट क्या है। ओके, तुम्हारे फोन नंबर मांगेगा, तुम्हारे फोन नंबर पे ओटीपी आएगा, तो वो फॉर्म फिल कर देना। जैसे तुम लोग फॉर्म फिल करोगे प्रॉपरली, तो तुम लोग डैशबोर्ड पे आ जाओगे। तो ये जो तुमको अभी फिलहाल दिख रहा है, वो तुम्हारा क्या है, डैशबोर्ड है। ओके, अब ये डैशबोर्ड पे जब आओगे, तो तुमको यहाँ पे दिख रहा है 9 टेक्स क्रेडिट, तुमको 10 मिलेंगे। तो मैंने क्या बताया, हर ईमेल आईडी और हर फोन नंबर के लिए 10 ही मिलते हैं, तो हमको 10 बहुत हो गए। अगर तुमको एक से ज्यादा चाहिए, तो बहुत सारी ईमेल आईडी बनाओ, बहुत सारे फोन नंबर ले लो, मम्मी डैडी भाई सब लोग के फोन नंबर यूज करो। ओके, तो यहाँ तक अभी आ चुके हैं हम लोग। लेकिन ये 10 क्रेडिट तो हो गए, लेकिन हम लोग को उसके लिए क्या चाहिए, एपीआई की चाहिए। तो एपीआई की कैसे जनरेट करनी है, तो सबसे पहले क्या करो, तो तुम लोग को एपीआई की जनरेट करनी होगी। तो एपीआई की जनरेट करने के लिए सेटिंग में जाओ, एपीआई की इसमें जाओ। मेरी एपीआई की जनरेट की हुई है, वो कॉपी मत करना, मैं चाहिए तो अभी डिलीट कर देता हूँ। ओके, क्रिएट न्यू की को हिट करना, सेव की को हिट करना। यहाँ पे जो क्रिएट हुई है, वो तुम्हारी एपीआई की है, लेकिन एपीआई की को प्रॉपरली स्टोर करके रखने की जरूरत है। तो प्रॉपरली स्टोर करके रखने के लिए मैं एक नोटपैड ओपन करता हूँ। तो रवि ने एपीआई की बनाई है, कौन से नंबर के लिए बनाई है, ये नंबर के लिए बनाई है। कौन सी एपीआई की है, वो कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। अभी नेक्स्ट मेरे भाई का नाम आएगा, उसका फोन नंबर आएगा, उसकी एपीआई की आएगी, फिर किसी और का नाम, फिर उसका फोन नंबर, फिर उसकी एपीआई की। तो उससे मैं ट्रैक रख सकता हूँ, सबको समझ में आया। तो क्या करना है, कैसे करना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अभी ये जो एपीआई की आई, वो तुमको कहाँ पे यूज करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ सेंड एसएमएस, ये तुमको फंक्शन एज इट इज यूज करना है। और यूअर एपीआई की दिख रहा है, यहाँ पे तुम लोग को तुम्हारी एपीआई की डालनी है। तुम लोग जैसे यहाँ पे एपीआई की डालोगे, तुम्हारा एसएमएस चला जाएगा। तो एसएमएस भेजने के लिए सेंड एसएमएस फंक्शन को दो चीजें चाहिए रहेगी, एक चाहिए रहेगा मैसेज जो हमको भेजना है, और दूसरा चाहिए रहेगा फोन नंबर जिसको हमको ये भेजना है। समझ में आया। तो सबसे पहले एपीआई की बना के रखना, मैं तुमको प्रोग्राम थोड़े टाइम में ही भेज देता हूँ।